आप रोटी है? नहीं आज। मम्मा आपको पता है मैंने मेरा ड्राइंग बुक और सारे खिलौने पैक कर लिए। अब जल्दी चलना ना पापा के घर में। आप एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों तक अपने बड़े मम्मी और बड़े पापा के साथ ही रह जाइए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तरीका है और यही सही तरीका है। गायत्री जी, मैं आपसे विनती करती हूं, ऐसा मत कीजिए। आरती अंश के बिना रह नहीं पाएगी। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, मेरी आरती बहुत समझदार है। अब देखिएगा, वो बहुत ही जल्द आपकी पोतियों से जुड़ जाएगी। देखिए शोभा जी, अंश आरती जी के साथ हमारे घर जाएगा। आप लोग विदाई की तैयारी कीजिए। मैंने शादी के लिए हाँ करते वक्त ही साफ साफ कह दिया था कि आरती जी के साथ अंश भी आएगा हमारे घर में। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आपने तो सुनी गया यश ने क्या कहा। सच में अगर यश जी ने ऐसा किया है तो उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो मिस्टर यश सिंधिया मान गए अंश को अपने साथ घर ले जाने के लिए। यार उन्होंने तो अपनी माँ की ऑर्डर की भी परवाह नहीं की और तो और उल्टा सबके सामने उनकी बात भी काट दी। इस मेहरबानी का, इस अच्छेपन का मतलब समझ रही है ना तू? यश जी ने तेरी खुशी का ख्याल रखा तो अब तू उनकी खुशियों का ख्याल रखना। गिव एंड टेक है मेरी जान, दुनिया का यही दस्तूर है। मैं कह रही हूँ आरती, उस यश सिंधिया से ना थोड़ी संभल के रहना। तो क्या सच में यश जी ने ये सब सिर्फ मुझसे कुछ पाने के लिए किया है? यश ने आज अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ की बात चुकला दी। भगवान जाने इस लड़की के लिए और क्या क्या करेगा वो। बहू को दोष क्यों दे रही हो गायत्री? तुमने बात ही गलत की। अब बेकार में बात का बतंगड़ मत बनाओ और जाकर विदाई की तैयारी करवाओ। परेशान हो गया मैं तुम्हारे आए दिन की छोटी छोटी शिकायतों को लेकर। आरती, I'm so happy for you. आरती एक मिनट रुकना, ये इस तरह मुंह लटकाए कहाँ जा रही हो तुम्हें? बहू अब जल्दी करो, घर जाकर बाकी की रस्में भी पूरी करनी है। पहले ही बहुत देर कर दी तुमने। अब चलो भाई। अंश कहाँ है? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, होगा यहीं कहीं। शोभा जी, विदाई की रस्म जल्दी निपटा दीजिए। पुनर्विवाह।